हम लोग इसी तरह का एक वर्कशॉप चला रहे थे कानपुर में, इवनिंग वर्कशॉप था, उसमें बहुत सारे परिवार के लोग आते हैं शाम में फिर जाते हैं। तो वर्कशॉप चल रहा था, पाँचवें छठे दिन की बात रही होगी, शायद पाँचवें दिन जब संबंध की एक लेवल की बात हो जाती, तो एक महिला आई थी, उन्होंने अपने परिवार का किस्सा शेयर किया। वो बोली कि आज दोपहर में जब खाना बना रही थी वो किचन में, खाना वगैरह का जो भी किचन का काम कर रही थी, तो उनके दोनों बच्चे स्कूल से आए, खाना वाना खा के फिर वो क्रिकेट खेलने लग गए थे घर में ही, घर के अंदर ही दोपहर ही में, वो लॉन टाइप का जो भी होता है या गैलरी टाइप का, एक ने बॉल फेंकी, दूसरे ने मारा और जाके बॉल कहाँ लगी, कांच पे, खिड़की के, वो टूट के, अब कांच टूटने की आवाज़ माँ के कानों में पड़ा, तो माँ के ऊपर भी कुछ असर पड़ा होगा उसका, वो बिल्कुल एकदम बेचैन हो गई, ये रोज का इन लोग का धंधा हो गया, चलो अभी चल के इनको ठीक करते, दौड़ी तो पीटने के लिए। रास्ते में उसको ध्यान में आ गया कि समझ संबंध सुविधा तीनों जरूरी है, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण सुविधा है कि ज्यादा महत्वपूर्ण संबंध है। दौड़ी किस लिए थी, मारने की। वो महिला बोली जैसे ये ध्यान आया कि संबंध ज्यादा महत्वपूर्ण है सुविधा से, है ना, एकदम से बोली कि मेरा जो गुस्सा था वो काफी तेजी से डाउन। अब एक बार जैसे गुस्सा डाउन हुआ, तुरंत ध्यान दूसरी बात पर गया कि भाई कांच टूट के गिरा है, इनको भी तो चोट आ सकती है, तो पहले पीटने दौड़ी थी, अब जाके पूछती है चोट तो नहीं आया, है ना। तो अच्छा, वो दोनों बच्चे भले ही छोटे हैं लेकिन माँ का अनुमान तो उनको भी है, माँ के संस्कारों का पता तो बच्चों को भी है कि अब खिड़की टूटा है, कांच टूटी है, अब आके तोड़ेगी। अब वहां खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि वो तोड़ने की घटना पूरी कर ले तो आगे खेले। आई वो और वो कांच हाथ बटोरने लगी, पूछी चोट वोट तो नहीं लगी, फिर कहा नहीं लगा, और सहमे से खड़े हैं, फिर वो कांच बटोर के जाने लगी, फेंके उसको, चली गई फेंकने तक। तब बहुत हो गया इंतजार छोटे वाले बच्चे का, तो पूछ लिया उसने कि अब ये बहुत हो गया, आप पता नहीं कब तक ये अपनी प्रक्रिया दोहराएगी। उसने पूछ ही लिया कि क्यों मम्मी आज मारोगी नहीं क्या। अब जो मम्मी है वो अपना जो है कांच वाच रख के चली। अब आप देखेंगे एक छोटे बच्चे का ये ऑब्जर्वेशन माँ के संस्कार के बारे है कि कांच टूटेगा तो माँ तोड़ेगी, ये संस्कार का अनुमान है माँ बच्चे को, छोटा बच्चा घर का सबसे है नहीं। फिर क्या हुआ कि प्रक्रिया चलती रही, एक दिन उनको वर्कशॉप आना था 6:15, मतलब पौने छः तक, 5:30 तक वो चल देती थी, 6 बजे पहुंचती थी, एक दिन 6:15 बज गए घर में ही, तो वो छोटा वाला बच्चा वो कमरे में कुछ सामान समेट रही थी, तो छोटा वाला बेटा पूछ रहा उनसे मम्मी मम्मी तुम आज अपने स्कूल नहीं जाओगी क्या, जहाँ जाती हो वर्कशॉप करने। तो मम्मी ने कहा जाऊँगी, थोड़ा काम है निपटा के तब जाऊँगी, थोड़ा लेट। वो जाके अपना काम निपटाने लगी, लेकिन तभी उनको स्ट्राइक किया विचार में, इसको क्या पड़ी है कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, ये क्यों गार्जियन बन रहा। वो लौट के आई, आके उस बच्चे से पूछा क्यों तुम क्यों पूछ रहे हो कि मैं जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी। तो चुप चुप ऐसे मुंह करके मुस्कुराने लगा, तो उसका बड़ा भाई बोलता है आजकल इसको मारनी पड़ रही है ना। तब वो हंसते हुए बोला मम्मी तुम्हारा ये वाला स्कूल बहुत अच्छा है, तुम कोई क्लास मत छोड़ो जाया करो। अब आप देखेंगे तो माँ के संस्कार में कुछ परिमार्जन हो रहा है, ये घर का छोटा सदस्य पकड़ ले रहा है और किसी प्रक्रिया से यह परिमार्जन हो रहा है, इसलिए वो बाधित ना हो, ये इसके लिए भी सुखकारी है, मेरे लिए भी सुखकारी है। ये घर का छोटा सदस्य जज कर ले रहा। मार्च में आए थे, अप्रैल में लौटे थे आप, तो हम लोग वहां पर उस दौरान कानपुर का जो डिस्ट्रिक्ट जेल है ना, उनकी कैदियों की एक 15 दिन की वर्कशॉप कर रहे थे, उसके पैरेलल में ही चल रहा था। आखिरी दिन भैया गए थे उसके मूल्यांकन में, जब शिविर का 10वां दिन रहा होगा, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 10वां 11वां, तो एक कैदी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। वो 10 साल से जेल में है उसका, मतलब अभी मैं लगता है अगले साल या इसी साल वो 10वां पूरा होगा तो छूटने वाला होगा, 10 साल हो गए थे उसको। उसने बताया कि वो जिस बैरक में बंद रहते हैं, तो शुरू में तो जब वो वर्कशॉप करने आया तो बहुत सारे साथी मजाक उड़ाते थे जो नहीं आए थे, और बहुत सारे उस पर कमेंट पास करते थे, ये सब चलता था। लेकिन उसके जो भी 5-7 दिन में जो व्यवहारिक परिवर्तन आया, उसको देख के बहुत सारे साथी उसको स्वीकारने भी लगे,
और वैसे भी वो बहुत सारे जेल में बहुत सारे साथियों की और भी मदद करता रहता। उस दिनों उन दिनों नवरात्रियों का वो चल रहा था व्रत, तो जेल में कुछ पूजा वगैरह हुई होगी तो प्रसाद वितरण का काम वही कर रहा था, तो तमाम बैरकों में जा जा प्रसाद बांट रहा था। अपने बैरक में आया तो उसके जो उसी बैरक का एक साथी था, दूसरे साथी का साथ बैठ के चेस खेल रहा था, तो उसके पास प्रसाद लेके गया तो उसने कहा कि यार तुम बाकी जगह से बांट आओ, हमारे लिए बचा लाना, अभी थोड़ा गेम में हम लोग बिजी हैं, तो बाद में प्रसाद ले लेंगे। तो वो गया सब जगह बांटा और पूरे समय याद में ध्यान में बनाए रखा कि उसके लिए लेके जाना है, तो जो भी बांट करके फिर वापस लेके आया उसके लिए बचा के। जब पहुंचा अभी भी उनका गेम नहीं खत्म हुआ था, तो बड़े संकोच के साथ उससे बोला कि यार अच्छा ये आया होगा ध्यान में रख के ये कि भाई आधे घंटे से मैं प्रसाद बांट रहा हूँ और मेहनत करके उसके लिए बचा के लाया हूँ, अप्रिशिएट करेगा सामने वाला कि भाई तुम मेरा ध्यान रखे। वो पहुँचा लेके प्रसाद उसके पास, वो आदमी अपने चाल में फंसा होगा, उसने बोला यार तुम बचा तो लाए हो यहाँ तक, ऐसा करो कि मेरे बैट जहाँ पर है वहाँ रख दो, मैं गेम से फ्री होऊंगा तो खा लूँगा। अब ये आदमी का जो आखिर था तो ये भी कह दी किसी बड़े घटना में ही 10 साल की सजा पाया होगा अंदर का सब जाग गया, उसका भड़क गया एकदम से, नौकर हूँ क्या तुम्हारा कि तुम्हारा पहले बचा के भी लाऊं, फिर तुम्हारे बिस्तर तक रखूं, फिर थोड़ी देर बाद कहोगे मुंह में खिलाऊं। तो अपना इसने अकड़ में बोल दिया, तुम्हारे बाप का नौकर थोड़े जो भी भाषा उसको प्रयोग करना हो बोल गया वो। अब सामने वाला भी है तो वो भी कह दी, वो भी तो कोई वो भी अकड़ गया, दोनों में फिर जो है शुरू हो गया, लेकिन मारपीट नहीं हुई लेकिन ठीक से गहमा गहमी हो गई। फिर उसके बाद वो आदमी अपने खेल में व्यस्त हो गया, ये अपने बेड पे चला गया। तो ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था 11वें दिन, बोला जब मैं बेड पे लेटा तो मेरा ध्यान ये गया कि उस आदमी ने मुझसे कहा कि मेरे लिए प्रसाद बचा के रखना, लेके आना। आधे घंटे पूरे समय विचार में इस बात को ध्यान में बनाए रखा, पूरे कैंपस में घूमा उसके लिए बचा के लाया और लाकर उसके पास तक गया। इसमें लगभग मेरा 40-45 मिनट का इन्वेस्टमेंट हुआ। फिर उसने कहा कि भाई ले जाकर मेरे बिस्तर तक रख दो। जिस जगह उसने कहा था वहां से उसका बिस्तर 3 बेड छोड़ के था, यानी कि टोटल मेरा जो समय लगता मुश्किल से 10 सेकेंड, मैं वहां जाकर के वो प्रसाद उसका रख सकता था। 40 मिनट का इन्वेस्टमेंट मैंने कर दिया उसके लिए और ये 10 सेकेंड का जो करना था ये मैं नहीं किया, और उसके कारण इतना सारा ये उलटफेर हो गया और वो बेचारा भी इतना बेचैन हो गया और मैं भी तब से बेचैन हूं, बिस्तर पे भी लेट के नींद नहीं आ रही है ना, और पिछले आधे घंटे से बेचैन हूं, जबकि मामला कितने देर का था 10 सेकेंड। कर दिया होता तो सारा झंझट खत्म हो जाता। फिर उसको लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, अभी तक क्या लग रहा था उसको कि गलती उसकी है कि दूसरे वाले की है, अभी तक तो लग रहा दूसरे वाले की, अब उसको लग रहा था 10 सेकेंड में सारा मामला निपट सकता था। तो उसका वही विचार उठा कि यार चल के उससे बात करते कि भाई गलती हो गई, मैं 10 सेकेंड में रख ही देता, वो भी आराम में रहता, मैं भी आराम में रहता, पूरे बैरक का आराम बना रहता। थोड़े देर तो वो भी उसी स्थिति में फंसा होगा जिसमें आप फंसे थे कि पता नहीं वो क्या रिस्पॉन्स करेगा क्या करेगा, लेकिन चूंकि अभी वर्कशॉप का एक फ्लो चलता है तो आदमी का एक साहस भी बना रहता है। वो उठा और जाके उसको बोला कि यार गलती हो गई। क्या गलती हो गई? बोले यार 40 मिनट तो मैं तुम्हारा ध्यान रखे रहा, 10 सेकेंड में तो होता मैं जाके वहां रख देता, हमारा तुम्हारा संबंध भी नहीं बिगड़ता, मामला सब ठीक ही रहता। अच्छा, जैसे ही उसने ये लाइन बोला सामने वाले कैदी पर उसका कुछ फर्क गया होगा कि नहीं गया होगा, एकदम से भावुक हो गया। वो बोलने लगा कि मतलब एक तो तुम मेरे लिए प्रसाद बचा के लाए, मैं तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया, उसके बावजूद भी आकर के तुम बोल रहे हो कि गलती मेरी है ना। एकदम भावुक होकर उसे लिपट के एकदम जो है वो होने लगा है ना। फिर दोनों की बैठ के घंटों बात हुई, जेल में इतने साल से बंद थे लेकिन एक दूसरे की जिंदगी के बारे इतना खुल के बात नहीं किए थे जितना उस दिन की है ना। और उसके बाद अगले दिन वो जो दूसरा कैदी था ना, वो अपने 8-10 दोस्तों को लेके आया कि इन लोगों के साथ वहां हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। अभी ठीक ढंग से देखेंगे ना, अगर सही के प्रति कोई द्वंद आ रहा है कि करे ना करे तुरंत कर दीजिए, गलत के प्रति अगर द्वंद आ रहा है कि करे ना करे 100 बार सोचिए कि इसको करें कि, लेकिन जो सही आपको पता है कि ये सही है सह स्वीकार है उसमें फिर सामने वाला हो सकता है वो पलट के गाली भी दे देता, फिर आया है कोई नया जाल बिछाने, ये सब हो सकता है, लेकिन आपको सही दिख रहा आपने कर दिया है ना, फिर जो होगा परिणाम देखा जाएगा।
इसलिए नजदीक से नजदीक संबंधों में भी इसको बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है। हमारी हालत कई बार ऐसी हो जाती है कि हमारे घर की दीवारों पे दरारें आती हैं, हम उस दरारों को ठीक से देखकर भरने की जगह उस पर पोस्टर चिपका देते हैं और बढ़िया उसमें बैठकर चर्चा करते हैं, है ना, और हम उसको उखाड़कर उस दरार को देखना भी नहीं चाहते। परिवारों में हर दूसरे तीसरे दिन चीख चिल्ला रहे हैं लेकिन ये देख भी नहीं पाते, स्वीकार भी नहीं पाते कि हमको कहीं शंका हो रही है, उस कारण ये बेचैनी हो रही है। ये बड़ा झंझट है हम सबके साथ, इसलिए वहाँ कोई काम शुरू नहीं हो पाता। हमारे जो टीचर जिनके बारे सुबह बात कर रहा था, गणेश के पिताजी से मिलने गए, उनके जो पिताजी थे वो एक हॉस्पिटल में एडमिट थे, है ना, हार्ट अटैक के दौर से गुजरे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो जब ठीक होके घर आए तो मिलने गए। जब मिलने पहुँचे तो उन्होंने कहा अंकल जी से कि आप तो स्वस्थ ही दिख रहे थे पिछली बार आया तो, बढ़िया आप दिनचर्या फॉलो करते हैं, सब करते हैं, हार्ट अटैक जैसी नौबत कहाँ से आ गई। तो अंकल जी बोलते हैं कि क्या बताऊँ, ये तुम्हारी आंटी है ना, कभी कभी ऐसा बोल देती है बर्दाश्त नहीं होता है। उस दिन भी कुछ कुछ परिवार में घटना हुई, कुछ बोल दिया उन्होंने और एकदम बेचैन हो गए, और बेचैनी में जो भी ब्लड प्रेशर शूटअप हुआ, जो भी हुआ उसमें फिर दुर्घटना हो गई, हार्ट अटैक आ गया। तो गणेश सर, उन्होंने पूछा उनसे कि भाई आप किस बात को लेकर इतना बेचैन हो गए, आंटी के बोले गए शब्दों के कारण आपको इतनी बेचैनी हुई या कहीं ना कहीं आपको आंटी जी के चाहने पे शंका हुआ इसलिए बेचैनी हुई? क्या उत्तर आया होगा, क्या उत्तर आया होगा? उन्होंने कहा कि ये कैसे दुखी करना चाह सकती है, हॉस्पिटल में जब तक था, जब भी घर में हूँ या आज भी, मेरा सबसे अधिक ध्यान रखने वाला अगर कोई आदमी है तो तुम्हारी आंटी है, ये मुझे दुखी करना कैसे चाह सकती है, जब से हॉस्पिटल में हूँ या रात दिन दौड़ती रहती, बाकी तो अपना जो भी करे, इसके चाहना पे कैसे शंका हो सकता? नहीं, कहीं ना कहीं बेचैन हुआ किसके कारण, उनके बोले गए शब्दों के कारण। तो गणेश जी ने एक और प्रश्न पूछ दिया कि अगर वही शब्द कोई दूसरा आदमी आपको बोलता जिसके बारे आपको पता है कि वो थोड़ा बेचैन है, वो किसी कारण से परेशान है, तब भी आपकी यही दुर्दशा होती जो पहले हुई है? अगर एग्जैक्टली वही सब जो आंटी जी ने अंकल को बोला कोई दूसरा आदमी बोलता जिसके बारे अंकल को पता है कि वो थोड़ा परेशान है, है ना, तब भी अंकल जी की यही दुर्गति होती होती क्या? नहीं होती। अगर नहीं हो रही यानी समस्या शब्दों की नहीं है, समस्या किसकी है? उन शब्दों से कहीं ना कहीं शंका कहा कर रहे हैं आंटी के चाहने। लेकिन मानना इतना स्ट्रॉन्ग है कि आदमी उसको स्वीकार भी नहीं पाता, बिना सहने पे शंका किए इतनी बेचैनी हो ही नहीं सकती। लेकिन हम संबंधों में इतना उसको चिपका के भी रखते हैं कि हम गुस्सा भी हो रहे हैं, चीख चिल्ला भी रहे हैं, बर्तन भी पटक रहे हैं, मोबाइल भी पटक रहे हैं, फिर भी हमको यही अपने बारे माने रहते हैं कि हमको दूसरे की चाहने पे शंका नहीं है, तो इतनी व्याकुलता क्यों है, क्यों चीख चिल्ला रहे हैं? चूंकि वो दिखता नहीं है इसलिए हम अपने ऊपर काम करने को तैयार नहीं होते, इसलिए हम अपने अंदर चाहने पे जो शंका पैदा हो गई उसको ठीक भी नहीं कर पाते और शिविर पे शिविर करते जाते हैं और हमारी व्याकुलता भी ऐसी की ऐसी ही बनी रहती।